तो भाई आज है चेटी चंद्र, और चेटी चंद्र के दिन घर पे कढ़ाई जरूर चढ़ाई जाती है। अब जो भी तल के खाए बट तला हुआ जो है ना खाना जरूर खाया जाता है आज के दिन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड रोल, क्योंकि शगुन भी होता है और टेस्टी भी होता है, राइट। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, और चेटी चंद्र की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज का हमारा गर्मा गर्म कुरकुरा ब्रेड रोल तैयार हो चुका है, आप भी आ जाइए, खाते हैं मिलके गर्मा गर्म ब्रेड रोल पुदीने की चटनी और टमाटर सॉस के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी, आई होप सब जो है फिट एंड फाइन होंगे। तो आज है गुड़ी पड़वा, चेटी चंद्र, उगादि, हिंदू नववर्ष। तो आप सभी को जो है ना हिंदू नववर्ष की लाखों लाख ढेर सारी बधाइयाँ। तो बस हमने जो है ना नाश्ता एंड ऑल कर लिया, तो अब हम जा रहे हैं सिंधु भवन। पिछले 2 साल से इंतजार था इस दिन का, क्योंकि सिंधु भवन में जो है ना झूलेलाल साईं का मंदिर है, वहाँ पे हम जाएंगे मत्था टेकेंगे, और वहाँ पे जो है ना आज के दिन लंगर प्रसाद होता है, जो कि बहुत ही ऑसम होता है। सिंधी फूड होता है, कंप्लीट सिंधी रेसिपीज होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और 2 साल से बिकॉज कोविड चल रहा था ना, तो ये दिन आया नहीं था। मतलब चेटी चंड आता था बट लंगर नहीं होती थी। तो आफ्टर 2 ईयर्स वी आर गोइंग टू हैव अ फन इन सिंधु भवन। तो चलिए फिर चलते हैं सिंधु भवन और इंजॉय करते हैं आज का लंगर प्रसाद। तो हम पहुंच चुके हैं सिंधु भवन, जहां पे बहुत ही क्राउड है और झूलेलाल साईं की आरती पूजा चल रही है। आरती का प्रोग्राम जो है ना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, हम फ्यू मिनट्स लेट पहुंचे हैं यहाँ पे, बट एनीवेज आरती पे जो है ना हम पहुंच चुके हैं पूरी फैमिली। आरती का प्रोग्राम हो चुका है और अब हम जो है ना मत्था टेक लेंगे झूलेलाल साईं को। और हमारे ज्योतिनवारे लाल जी ज्योति बरन, ज्योत ज्योति ना हमारे सिंधियों में आटे की जलाई जाती है झूलेलाल साईं के सामने। बस हम पूरी फैमिली ने जो है ना मत्था टेक लिया और अब हम जाएंगे ऊपर लंगर खाने, क्योंकि ऊपर जो है ना 2 हॉल बने हुए हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पे एंड देन नेक्स्ट सेकंड फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर वाला जो हॉल है ना वो है लेडीज के बैठने की व्यवस्था,
तो बस यहाँ पे जो है हम जा रहे हैं और अब हम खाएंगे लंच, और जब तक मैं प्लेट वगैरह लेकर आऊँ ना, तो हस्बैंड मेरे साथ जो है ना वहाँ पे मेरी हेल्प के लिए थोड़ी देर रुके थे। वैसे जेंट्स के खाने की व्यवस्था जो है ना सेकेंड फ्लोर पे है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो जब तक आशीष और मैं प्लेट लेकर आए तब तक हस्बैंड जो है ना ब्रह्मावर्षा को देख रहे थे, बिकॉज डर लगा रहता है कि कहीं भाग न जाए मेरे नन्हे शैतान। और खासकर ब्रह्मा वो एक जगह ना बिल्कुल बैठ नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पे ना इस तरीके से खाने की व्यवस्था की गई है, और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेनू में क्या क्या है। तो यहाँ पे बनी है सिंधी मूंगी मिठाई, जो कि होती है बेसन की बर्फी, पूरी गर्मा गर्म, क्योंकि मैं फर्स्ट बैच में ही बैठी थी तो मुझे सब गर्मा गर्म मिला था, और मीठे चावल, एंड देन उसके बाद है सिंधी सन्ना पकोड़ा। और जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैंने फर्स्ट बैच में ही लंच खाया था, तो सब कुछ गर्मा गर्म ही हमें मिला। एंड सिंधी भुगल चावल, जिसे सिंधी पुलाव भी कहा जाता है, और छोले और आलू की सब्जी, सिंधी साई भाजी, और ये है प्याज और इमली की चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बस अब मैं जो है ना बच्चों को लेकर बैठूंगी और खाएंगे हम लंच, हमारा आज का लंगर प्रसाद। और लंगर प्रसाद खा के जैसे ही हम बाहर निकले, तो यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे सारे सिंधी फूड आइटम मिल रहे थे, लाइक सिंधी पापड़, सुदर्शन पापड़, जो कि मैंने पहली बार हैदराबाद में देखा है। मोस्टली यहाँ पे मैंने कभी देखा नहीं है, मैं हमेशा होम टाउन से लेकर आती हूँ। सिंधी चिप्स, सिंधी वड़ी और शरबत, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर वाले सिंधी शरबत होते हैं जो हमारे वो, और पुदीने की टिक्की, पुदीने की जो एक दवा आती है हमारे में जो पेट दर्द में खासकर खाई जाती है, ये वाली जो है ना ये, और कमल ककड़ी, सिंधी बिया और सिंधी चिप्स वड़िया, बहुत सारी सिंधी आइटम जो है ना मिल रहे थे। थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने भी की वहाँ से, और अब हम चले वापस अपने घर। हम जो है ना सिंधु भवन से खाना खा के आ गए, लंगर प्रसाद खा के आ गए। और आज क्या हुआ कि जब हम लंगर खा रहे थे ना, तो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली, एक्चुअली दो सब्सक्राइबर मिले मुझे वहाँ पे, और वो आई मेरे पास और मुझसे बात करने लगी, ठीक है। तो हुआ क्या कि मेरे लेफ्ट एंड राइट में ब्रह्मावर्षा बैठे थे, ठीक है, और मेरा भी आज नवरात्र का उपवास था पहला दिन, क्योंकि मैं नवरात्र का पहला दिन पंचमी एंड अष्टमी का व्रत रखती हूँ। तो मुझे भी जो है ना व्रत था, एक ही टाइम खाना था, तो मैंने सोचा लंगर प्रसाद में ही एक टाइम खाऊंगी दोपहर को। तो आराम से खा रही थी बिकॉज फास्टिंग था, तो लगता है ना कि थोड़ा सुकून से बैठ के खाओ, और ब्रह्मावर्षा भी टाइम ले रहे थे खाना खाने में। तो बस उसी समय क्या हुआ ना कि हम खाना खा ही रहे थे, और वहाँ की जो सेवा समिति की एक आंटी थी वो जो है ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी, बिकॉज रश बढ़ने लगा और मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था बच्चों के साथ बैठ के में, और बस आंटी जो है ना उसी समय मुझे आके इंस्ट्रक्शन दे रही थी। बच्चों ने भी जो ना थोड़ा थोड़ा सा खाना बचाया था, सब्जी थोड़ी सी उनके हिसाब से स्पाइसी थी ना, तो इस वजह से, और उसी समय मेरी वो सब्सक्राइबर आई और मुझसे बात करने लगी। तो मैं ना उनसे भी प्रॉपर बात नहीं कर पाई, क्योंकि ये आंटी बहुत इंस्ट्रक्शन दे रही थी, और इधर बच्चे भी जो है ना चलने के लिए मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि मम्मा चलो चलो चलो, और हाथ में दो प्लेट्स थी दोनों बच्चों की। तो बस उससे कर मैं उनसे बात नहीं कर पाई, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि अरे यार उनको कैसा लगेगा कि मैं प्रॉपर बात ही नहीं कर पा रही हूँ। बट उस समय सिचुएशन ऐसी हो गई ना
कि मतलब कुछ समझ ही नहीं रहा था। फिर दूसरी एक सब्सक्राइबर मिली वापसी में, जब हम सीढ़ियाँ से आ रहे थे तो उस समय भी जो है ना अच्छा खासा क्राउड था। वो ऊपर की तरफ जा रही थी, मैं नीचे की तरफ आ रही थी, तो उसी समय उन्होंने जो है साइड में मुझे रोक के कहा कि आप कुछ पानी किचन सिंधी वाली सुनीता को उतवानी है ना। मैंने कहा हाँ। तो बोले कि मैं आपकी सारी रेसिपीज देखती हूँ और मैंने आपकी ढेरों सारी रेसिपीज वगैरह बनाई, तो अच्छा लगा उनसे भी बात करके। बट सेम थिंग अगेन हुई, क्योंकि रश था और एक साइड ऊपर जाने वाले लोग थे, एक साइड नीचे आने वाले लोग थे, तो उनके साथ भी जो मैं तो आई होप आप दोनों जो वीडियो देख रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे ये सिचुएशन की, ये सिचुएशन की वजह से जो है ना मैं प्रॉपरली वहाँ पे खड़े होके आपके साथ टाइम नहीं दे पाई। तो एनीवेज विश यू ऑल वंस अगेन हैप्पी चेट्री चंद्र। मेरे सारे व्यूवर्स को चेट्री चंद्र की लाखों लाख बधाइयाँ। तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।